आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जानने की कि बहुत सी जगह पे ए बी सी ठीक है ऐसे लिखा रहता है एक्स के पावर ठीक है, यहाँ पे एन लिखा होगा ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज मत होना राइट। एक्स का मतलब कोई भी आप नंबर ले सकते हो, एन का मतलब कोई भी नंबर ले सकते हो ठीक है, वो सिर्फ डिनोट किया है आपके समझने के लिए, दैट्स ऑल ठीक है। अब जो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं वो है हम ठीक है एक्सपोनेंट के अंदर और क्या क्या फंक्शंस होते हैं ठीक है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल से डायरेक्ट लेता हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से लेता हूँ ताकि आपकी सिंपलिसिटी में आपको समझ में आ सके उन चीजों के बारे में ठीक है। फर्स्ट आपका जो है ठीक है, फर्स्ट जो है आपका मैं ले रहा हूँ 4 की पावर स्क्वायर ओके मल्टीप्लाई ठीक है 4 की पावर 4 राइट ओके। दूसरा जो है आपका 4 के पावर 4 डिवाइड बाय 4 के पावर स्क्वायर ठीक है, ऐसे दो टर्म्स आएंगे ठीक है, एक ये चीज होगा ठीक है और एक ये है। अब इन दोनों में कुछ चेंजेस आते हैं ठीक है, इसमें हमेशा जब भी आपके सामने ऐसा है ठीक है आपको ध्यान रखना है जब भी बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाए ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बेस होगा अगर दोनों बेस बराबर है ठीक है 4 और 4 बराबर है ठीक है बेस के अंदर राइट, तो हम सिर्फ एक सिंगल 4 लिख देंगे और बाकी जो एक्सपोनेंट है 2 और 4 है अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन है दोनों के बीच में ठीक है, तो हम यहाँ पे उसके ऊपर एक्सपोनेंट के ऊपर 2+4 लिख देंगे राइट एज इट इज सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा 4 रेज टू पावर 2+4 क्या होगा हर्षल 6 राइट अंडरस्टूड। देखिए अगर मान लो कि डिवीजन है ठीक है वहीं पे अगर डिवीजन होता है तो अब क्या होता है कि यहाँ पे 4 क्योंकि दोनों ऊपर नीचे बराबर है राइट 4 और 4 है ठीक है बेस के अंदर ठीक है, जैसे मैं ये आपको इसको हम बेस बोलते हैं, मैं वापस आपको क्लियर कर देता हूँ, इसको हम लोग बेस बोलते हैं राइट जो नीचे में है, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये अलग होगा ये 4 की जगह 14 होगा तो नहीं आएगा राइट ठीक है, यहाँ पे 4 की जगह 14 होगा तो नहीं आएगा राइट ठीक है, हमेशा बेस सेम होना चाहिए, हमेशा हम लोग को बेस को ध्यान रखना है राइट इसके अंदर। उसके बाद क्या होगा 4 इसके अंदर उल्टा हो जाएगा, इसके अंदर क्या होगा ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में है उसको पहले आप लिखोगे, न्यूमरेटर के जो एक्सपोनेंट में ठीक है उसको पहले लिखोगे जो 4 है यहाँ पे ठीक है न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट में, उसके बाद नीचे वाले जो एक्सपोनेंट है बीच में इसको माइनस लिखोगे, यहाँ पे ऊपर प्लस हो रहा था लेकिन यहाँ पे डिवीजन में माइनस हो जाएगा राइट माइनस, और नीचे एक्सपोनेंट में क्या है डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट में क्या है दैविक 2 वेरी गुड ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 के पावर 2 हो जाएगा राइट। तो ये इस तरीके से चलता है राइट, इसका मतलब हमने क्या सीखा एक चीज कि अगर ठीक है दो चीजों के बीच में ठीक है मल्टीप्लीकेशन है ठीक है तो हम एक्सपोनेंट में हम प्लस करेंगे ठीक है, और अगर डिवीजन है ठीक है या ठीक है इस तरीके से है तो हम इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे राइट ठीक है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ओके ये हमेशा रहेगा। अब मैं आपको एक एक छोटी सी और चीज बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दो ही ठीक है बेस के बीच में हो सकता है, ये मल्टीपल बेस के बीच में भी हो सकता है। मान लो कि जैसे मैंने ले लिया ठीक है यहाँ पे ठीक है 4 का पावर स्क्वायर ठीक है मल्टीप्लाई बाई ठीक है 4 के पावर 7 ठीक है मल्टीप्लाई बाई 4 के पावर 8 ठीक है मल्टीप्लाई बाई 4 के पावर 9 राइट ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है राइट राइट, तो हम क्या कर सकते हैं और बेस सबका सेम है ठीक है बेस इसका सबका सेम है राइट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 लिखेंगे और 2 एक्सपोनेंट के जितने भी सारे हैं उन सबको प्लस कर देंगे हम लोग 2+7+8+9 ओके, तो 4 के पावर क्या आ जाएगा 2+7+8+9 कितना होगा हाँ शेल 9 9 18 18+8 26 राइट, तो 4 के पावर 26 इज द आंसर ओके। तो हम इसको इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं इजी फॉर्म में के लिए राइट ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई ठीक है अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दूसरी चीज ठीक है 4 के पावर ठीक है 26 डिवाइड बाई 4 के पावर ठीक है 40 ठीक है 4 के पावर 40 ठीक है या 4 के 40 भी मत लो ठीक है 14 ले लो, तो व्हाट इट विल बी क्योंकि दोनों का सबसे पहले क्या है रूल क्या है बेस सेम होना चाहिए राइट, फर्स्ट द बेस शुड बी सेम ठीक है इसमें कंफ्यूज मत होना ठीक है, तो एक बार बेस लिख लेंगे हम लोग और क्या है और क्या लिखेंगे ऊपर क्या है न्यूमरेटर में क्या है 26 ठीक है डिनोमिनेटर में क्या है 14 और यहाँ पे क्या है बीच में डिवीजन का साइन है राइट ठीक है इट शुड बी ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा -14 राइट, तो क्या हो जाएगा 4 के पावर 14 राइट, ये दो रूल इस तरीके से वर्कआउट करते हैं, लिख लो इसको प्लीज़।